अस्सलाम वालेकुम। फिर से एक बार देखेंगे हूँ मेरा के किचन में मॉर्निंग का टाइम ब्रेकफास्ट है। ब्रेकफास्ट बना सकते हैं आप बच्चों के लिए, यानी कि तो लंच पैक कर सकते हैं। तो ऑलरेडी मैंने मसालेदार ये वाले सेमियाँ दिखाए थे आपको कि मसाले वाले सेमियाँ कैसे बनाते हैं। आज ऐसे दिखाऊंगी कि नॉर्मली इसका उपमा जैसा स्टाइल में कैसे बनाते हैं। ये बहुत टेस्टी बनता है एंड जिसे मसाला पसंद नहीं है बच्चे होते हैं उनके लिए भी बहुत टेस्टी होता है। तो नॉर्मली मैंने यहाँ पे अपना पानी गरम को रख लिया है और यहाँ पे डाल लिया अपना ऑयल 2-3 स्पून। तो हम बनाते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लगता, मैं आपको डालते टाइम दिखा दूँगी, इसलिए मैंने पहले इंग्रेडिएंट्स कुछ नहीं दिखाया आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑयल अच्छी तरह गर्म हो गया। बस अब यहाँ पर डालना है थोड़ी सी राई और थोड़े से कड़ी पत्ते मीन्स करी लीव्स। और यहाँ पे मैंने डालना है ऑनियन। ऑनियन को गोल्डन नहीं करना है, बस हल्का सा पिंक करना है इसको। तो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट है, बहुत जल्दी रेडी हो जाता है और बच्चों को भी अच्छा लगता है, स्पाइसी नहीं होता ज़्यादातर। तो टिफ़िन बॉक्स के लिए भी बहुत अच्छा है और ब्रेकफास्ट के लिए भी बहुत अच्छा, आप इसको भी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ सूखी मिर्च। अब अगर आप चाहे तो इस पर ग्रीन चिल्ली भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं सूखी मिर्ची का ऐड कर रही हूँ, कलरफुल देता है ये इसलिए। तो अपने टेस्ट के हिसाब से कलरफुल ग्रीन चिल्ली भी ऐड कर सकते हैं या रेड चिल्ली भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसको हल्का सा पिंक कर लूँगी। 2 मिनट में तैयार हो जाता है, बहुत ही ईजी रेसिपी है ये, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अच्छा लगा तो फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर कर लीजिए। पहली बार जो मेरी वीडियो देख रहा है वो सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा पानी गर्म हो गया, मैंने यहाँ पे स्टोव बंद कर दिया। और यहाँ पे मेरा प्याज जो है लाइट सा पिंकी हो गया, बस इतना ही करना है। अगर ज़्यादा करेंगे तो टेस्ट चेंज हो जाएगा। आप अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से इसको नमक ऐड कर सकते हैं इसमें। तो मैं यहाँ पे अभी पानी डाल लेती हूँ, जो मैं वो फुल पैकेट बनाऊंगी मुझे लगेगा 2 ग्लास पानी। तो मुझे अपने हिसाब से पानी डालिएगा। वो वाला अगर पैक लेंगे तो उसी में लिख के रहेगा कि कितना पानी डालना है, तो इजी से बन जाएगा। और बिना गार्लिक और गिंगर पेस्ट, बिना टमाटर के, बिना मसाला, कुछ चिल्ली पाउडर या टर्मरिक पाउडर कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही बन जाएगा। तो यहाँ डालते ही मेरा पानी जो है अच्छी तरह पक गया है। मैंने जैसा बनाया पहले आपको बताया था, ये रोस्टेड है और क्लीन है, तो इसको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं रहती मुझे। तो मैं हमेशा यही बनाती हूँ, मैं भी ये इसमें ऐड कर लेती हूँ। तो ये डालते ही 2 मिनट में जल्दी पक जाते हैं, इसलिए बहुत ही ईजी बनता है ये मॉर्निंग का टाइम। अगर आपको पानी ऐसा गर्म रख लेंगे ना, अगर आपको कम भी लगेगा तो एकदम इसमें डाल सकते हैं, इसलिए मैं हमेशा पानी साइड में गर्म कर लेती हूँ ताकि इसमें जल्दी यूज़ हो जाए। इसको आराम से पलट लेंगे नीचे की तरफ से। आप देख सकते हैं कि मेरी फुल पैकेट डाला था मैंने, 5 मिनट में अब इसको पूरा दम हो जाएगा एकदम। तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा बन गया। तो 5 मिनट में बन जाता है ये, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लेता और इसमें ज़्यादा कुछ मसाले भी नहीं है, बहुत ही इजी एंड क्विक बन जाता है। तो जैसा मैंने पहले लास्ट टाइम दिखाया था, इजी मेजरमेंट के साथ पानी डाला था मैंने। और इसको मैं 2 मिनट स्टोव सिम पे रख दूँगी और इसको कुछ बंद कर दूँगी। तो मैंने इसको अभी सिम पे रख लिया है, यहाँ पे बंद कर दूँगी। 2 मिनट के बाद मैं इसको स्टोव बंद कर देती हूँ। वैसे तो ठीक हो गया, बस 2 मिनट इसको अच्छी भाप आने देती हूँ सिम फ्लेम पे, फिर मैं स्टोव बंद कर दूँगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि गर्मा गर्म मेरे जो सेमियाँ हैं बिना मसालेदार तैयार हो गए। यहाँ पर मैंने गार्निश के हिसाब से कोथिंबीर को डालना है, मीन्स हरा धनिया। तो बस हो गया रेडी, अब हम कर लेते हैं सर्व। तो बहुत ही इजी एंड क्विक बन गया है, आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अपने को अच्छा लगा तो कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा और फैमिली और फ्रेंड्स में भी लाइक और शेयर करिएगा ताकि उनको इजी रेसिपी मिल जाए। तो ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।